कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमने इतना भर दिया, इतना दिया, इतना हम लोग नहा लिया गाइस, खूब नहाए, बहुत सुबह सुबह अच्छा कोई इतना सुंदर दिखता है, कोई नहीं ऐसे बनाएंगे, आप बना चुके आगे हमसे सीखा करिए आप लोग। आप कढ़ाई में अपना पूरा हाथ घुसा देंगे ऐसे और देखेंगे तेल गरम है कि नहीं है, इसी तरह खेलते रहेंगे। मम्मी कहेंगे ऐसा है बहन जी, आप जाइए जाइए, आप सो जाइए, हम सब बना लेंगे, क्योंकि गैस ऑन किए बिना खाना नहीं बन सकता है, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए। इतना तो आप मुझसे आज सीख कर ही जाइए, बाकी दावत दुष्ट कहीं। इस मसाले को हम डाल देंगे इसमें और दूर भाग जाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी का स्वागत है। बाप रे बाप, इतनी गलन सी हो रही है। तो उठ चुके हैं और बज रहे हैं 6:26 हो रहे हैं, 6:26। मम्मी भी उठ चुकी हैं, चले चलते हैं। आज है महाशिवरात्रि और उसके लिए मतलब खाना देने के लिए और लोगों को बनाना है, वो हम बनाएंगे। और उसके बाद मम्मी अपना सारा साफ सफाई, सारा घर का काम तब तक ख़त्म कर लेंगी और फिर मम्मी बनाएंगी, जैसे कि हम लोग के लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बना के लेके चलेंगी। हम लोग चलेंगे संगम, वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, फिर हनुमान मंदिर चलेंगे, बड़े हनुमान जी जो लेटे वाले हैं, फिर वहाँ चल के चलिए मम्मी पास। ये माता जी झाड़ू लगा रही है, ये माता जी झाड़ू लगा रहे दावत रहा है दुष्ट कहीं। सवेरे से हम उठी ना, झाड़ू लगाई, एक खाची बर्तन माजा, खाना बनाई, नाश्ता बनाई, चाय बनाई, लेकिन इन्होंने कितन को शर्म ना आ गई इनके की लिया कुछ में तारीख का हेल्प कर दी। आई तो है हेल्प ही करने आई हूं मैं खाना बनाऊंगी, मैं ही बनाऊंगी खाना। आई है, आई आटा सानना वा सान लेंगे आटा, तो अभी अभी सान के 7 बजे सान है। अरे सान के रख दा कड़ा, झाड़ू अच्छे से लगाना, वहाँ वहाँ रह गया गंदगी। तो अब जाके अपने ससुर में वहाँ समझाऊ लगाऊ देती। मम्मी अपने सफाई में लगी हैं अभी, और जहाँ तक मुझे पता है कि अभी मेरा फोन हम चार्ज में लगाएंगे, ठीक है, और फोन चार्ज में लगा लें तो उसके बाद हमें आटा सानना है, क्योंकि ज़्यादा आटा सान के से ज़्यादा देर रख दो तो ऐसे खिल जाता है ना, तो आटा सानना है। फिर उसके बाद सब्ज़ी छौकेंगे मस्त, और फिर उसके बाद तब तक फिर मम्मी पूजा हो जाए, जब बैठ के हम हाफ उनका पूजा ख़त्म हो जाएगा तब फिर चाय चढ़ाएंगे, क्योंकि पहले से बना के रख दो फिर 5 बार गर्म करो सही चीज़ नहीं है। तो इतना काम अभी के लिए सेट है, और तब तक के लिए ये गर्म पानी थोड़ा जल रहा है, बस गर्म पानी पियेंगे, तब तक फोन चार्ज कर लेना, क्योंकि फोन अभी तो सो के उठे तो लो है। इसी तरह खेलते रहेंगे, मम्मी कहेंगे ऐसा है बहन जी, आप जाइए जाइए, आप सो जाइए, हम सब बना लेंगे। बाबू जी हम प्याज अलग पिस ले, प्याज की ग्रेवी टमाटर ग्रेवी की, प्याज टमाटर मिला के जैसा हम करा एक कर कुल होई मिल जाए, कुल एक कर हो जाए, फिर भी थोड़ा सा एक सहूर होता है ना। नहीं सहूर हम ना, आजकल बर्तन स्टैंडर्ड में बर्तन फसावा था खाली, पहले लोग ऐसे मिक्स कर पीसा है, पीस के खूब भूना है, आखिर गुणभूत मिल ही जाए कुल एक कर में। ये हमें नौटंकी लगा था कि एक दही लहसुन का पेस्ट बनाइए, एक दही प्याज का पेस्ट, फिर अदरक का पेस्ट, फिर टमाटर का पेस्ट, फिर झंडू बाम का पेस्ट, फिर तब अब आखिर अंत में करहुआ में वो कुल मिल जाता। ये थोड़ी हमें ना खुद के लिए खाना बनाने को कह दो, एक बार पापा के लिए बनाना हो, मम्मी के लिए बनाना हो, खुद और हाँ दूसरों के लिए बनाना हो जो खाना खिलाते हैं बाहर, एकदम खुशी खुशी बस, ठीक है। मम्मी बना देती है तो इसलिए भाई मुझे आलस आता है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ भाई बनाती करती है नहीं आलस करती हो बोल रही है, आलस तो आता है क्योंकि उसमें मेरी मम्मी की गलती है। हाँ। इनको कोई ऐसे कह रहे तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऐसे बना दो ढेर सारा लेके चलो मस्त सबको टेस्टी टेस्टी खिलाओ। हाँ पापा को अच्छा भी लगता है मेरे हाथ से खाना, बट अभी कोई कह दे तानिया अपने लिए ये बना लो वो बना लो,
दो चीज पे आगे सुई रुकेगी। अब आप सोचेंगे भाई मैगी, बस वही सोचेंगे। एक तो पहला आएगा तहरी, क्योंकि सारी सब्जियां रहेंगी, चावल दाल, मतलब ड्राइड राइस एकदम पुलाव टाइप। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैगी। जहां जहां इसके गैप था वहां हमने भर दिया है गाइस, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर तक आ रहा है। फिर भी अभी हमारा टमाटर बचा है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ठूसेंगे ना। इसको पिसने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमने इतना भर दिया, इतना। गिरने दीजिए इन लाल लाल टमाटरों को। फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं यह पिस्ता है कि नहीं। हर हर महादेव। गैस ऑन किए बिना खाना नहीं बन सकता है, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? इतना तो आप मुझसे आज सीख कर ही जाइए, बाकी और कुछ पहले मत सीखिएगा। तो अभी 10 घंटा लगेगा ये गर्म होने में, तब तक हम सेट कर लेते हैं तेज पत्ता। हम अब कढ़ाई में अपना पूरा हाथ घुसा देंगे ऐसे और देखेंगे तेल गर्म है कि नहीं है। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है? मुझसे सीखिए, ऐसे ऐसे चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। कुछ नहीं आता जाता है तो पहले सीख लीजिए मुझसे, है? अकेली खाना बनाने कोई ज़रूरत नहीं, मेरी तरह खाना बनाइए, सब खत्म, अरे सब अच्छे से बन जाएगा। तेल बहुत ज़्यादा हॉट, अरे गर्मा गर्म हो गए हैं। हमारे घर में जितने भी तेज पत्ते हैं हम सब उसमें होड़ दे, अरे डाल देंगे ऐसे, ठीक है? मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और फिर इस मसाले को हम डाल देंगे इसमें और दूर भाग जाएंगे इस हौदे से, अरे मींस इतने बड़े वाले पलटे से चलाएंगे। अच्छा, तो अब हमने जो सारी ग्रेवी है वो उझल दी है कढ़ाई में, यानी कि डाल दी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे हमेशा की तरह कि इसको हम लोग धुल देंगे। हर जगह गलती करते हैं आप लोग, ठीक है? ऐसे नहीं करना होता है, खाना ऐसे बनाएंगे, आप बना चुके, ठीक है? आगे हमसे सीखा करिए आप लोग, ठीक है? इसको इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा बचा है, इसमें कम से कम 4 रोटी आदमी खा लेगा इस ग्रेवी में। तो इसको हम लोग खंगारेंगे पानी से, खंगार के फिर बचा कुछ और इसमें डाल देंगे, फिर उसके बाद एक और बार खंगारेंगे कि मसाले के बचने के बाद मसाले की जो बदबू, अरे बदबू कह रहे हैं, महक है, वो भी इसमें चली जाए। कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसको भी खंगारेंगे। हम लोग अब ये जो ग्रेवी है इसको तब तक भूजेंगे और इस तरह से भूजेंगे जिस तरह से ज़िंदगी हम लोग को भूजती है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हम लोग को भूजते रहते हैं, तो उसी तरह से इसको भूजते रहेंगे। तो एकदम अच्छे से भूज लेंगे ताकि इसकी जो सुंदरता है, आई मीन जो इसको अच्छे से आप भूज लोगे ना, ये इतने से इतने हो जाएगी।
ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या? थक गए मम्मी। ग्रेवी बहुत है, थोड़ा भूज लेंगे। गरम मसाला डाली थोड़ा सा। हाँ गरम मसाला भूल गए, बाकी सब डाले। थोड़ा धनिया मसाला, बहुत हल्की लाल मिर्च और धनिया वगैरह, हल्दी और मच नमक। मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? सुबह सुबह अच्छा कोई इतना सुंदर दिखता है? कोई नहीं दिखता है। हंसने वाली कोई बात थी नहीं इसमें, वैसे हम ऐसे ही हंस दिए। सुंदर हम है, ठीक है। पांच पूरी रखो। नहीं, अरे पांच का हिसाब क्लियर रहेगा ना? चार बजे से पकावे की जरूरत कोई नहीं। दरवाजा खोल दो। ए बताओ क्या बेवकूफी है, हे भगवान कौन है ये? इसमें लगा चला गया, हे भगवान। तो सारा काम हो गया, ये आटा वाटा सारा काम हो गया। अब बस कितना बज रहा है? 9:08 पे, सही है। अब जा रहे कपड़ा सिलेक्ट करे, कौन सी कुर्ती वगैरह पहननी है। यहाँ यहाँ दबाओ, यहाँ। हाँ यहाँ साथियों का कपड़ा लेकर संगम हॉल टावर पे आ जाए। आपके साथी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। झोला में डाल दो। ये हम लोग संगम आ चुके हैं, बहुत ही भयंकर भी। खेलन से बिमलेश आपके लिए सब तैयार हुए हैं। आप संगठन यहाँ से नहीं घूमो, आप अपने घर चले जाए। आपके साथ ही आपके सब चले गए हैं। किताब करने वाले किताब आप संगठन का ऊपर चले जाए। नहीं नहा, नहीं 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 हम लोग नहा लिए गाइस, खूब नहाए, बहुत यही बदल रही हम। नहीं चलो वहीं चलो, सब वहीं। अच्छा चलो चलो बदलो, पहले नहा लिए।
लीजिए, ये हमको कपड़ा पहना लेंगे तभी चढ़ाएंगे। अच्छा तो हम कपड़ा पहन पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च में कही गए वहीं पहन लीजिए, यहाँ दिक्कत होगी, वहाँ आराम से टेक लेके पहन लेंगे गाड़ी। चलिए चलिए, अब गया समय, आप सुनते हैं ना, वो सुनते हैं। आंटी सुन रही है, हंस रही है, हम कहें ना आप सुनते हैं ना वो सुन रही है, आंटी हंस रही है। ये कहाँ है? इधर रही हूँ कहाँ? कपल सिंह आपके साथ ही आपका इंतजार कर रहे हैं। पपलेश मुंडेरा मंडी के पपलेश, आप जहाँ कर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ हमारे पुलिस के जवान कह रहे हैं उनसे संगम टावर के पास आ जाए। आप सभी आप दिशा भ्रमित ना होने पाए, आप अपने बच्चों का और अपने साथियों का विशेष ध्यान रखें। ऋषभ यादव फूलपुर, ऋषभ यादव फूलपुर जहाँ कहीं हो वो संगम टावर के पास आ से बोले यूट्यूबर प्रयागराज तान्यंग मम्मी जानते हो कहा नहीं हमके बेटा हम भी नहीं जानते यही हैं। अरे बाप रे बाप, आई है आप किसी से पूछते हुए संगम टावर के पास आए और अपने बच्ची को ले जाए। ममता जी अगर मेरी आवाज सुन रही है तो वो किसी भी पुलिस के जवाब से टावर हाउस पहुंच जाए, उनकी बच्ची नंगे बदन यहाँ इंतजार कर रही है। ममता जी कहाँ है? ममता जी जल्दी भीड़ कम मिले। तो हम लोग का गंगा स्नान हो चुका है, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे ये बोलने ही नहीं देंगे। संगम टावर पे उनके साथी उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज की तान्या की मम्मी खो गई है गाइस। अरदास निधि के सब जो बच्चों जहाँ कहीं हो संगम टावर के पास आ जाए। कहाँ देखूं वो तान्या? चलो उधर ही चलो, हम जहाँ चलते शशांक शेखर जहाँ कहीं हो वो संगम टावर के पास आ जाए। लड़की हमें रख रहे हैं, आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं। चम्मच लाई हो? अल्टा लिया चम्मच। वाह, उसमें देखो कम है, उसमें रख दो सही से। अच्छा, बड़े मन से बना। थोड़ा थोड़ा वो रखो। आज बहुत पुण्य मिले, एक तो उठाओ। दो तो तुम भी या पापो, दोनों लोग दे दो। कह दे ठीक हो देता, दोनों हाथ में पापा दोनों हाथ में ले लीजिए, तुम भी ले लो। लो ले जाओ, लो 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 भैया।
ले ले हाँ हाँ दे रहे दे रहे एक छोड़ दो ये भैया ये बच्चा ये क्या रखा है यहाँ पे ढक्कन रख तुम मिटवाओ आपका डार्क है ना दो पूरी दो तुम दे दो लाजवाब सब्जी बनाओ लाजवाब पापा चाय अच्छी है सही है भाई साहब इतनी थकान हो रही है कि पूछने को नहीं फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं तो पापा बाइक से थे अपने और हम मम्मी स्कूटी पे तो पापा आ रहे पीछे पीछे उन्हें 10-5 मिनट लेट हो गया था आने में तो और ये देखिए कि मम्मी क्या कह रही हैं गए आपके पति परमेश्वर मेरे पति परमेश्वर मेला में बिछड़ गए हैं हम लोग घर आ गए वो आते हैं